लेकिन द क्वेश्चन हियर अराइजेस के जो पेट्रोल की प्राइस है जो एक एक्सपेक्टेड था, ये पिछली गवर्नमेंट ने भी करना था और इस गवर्नमेंट ने भी करना था। अब हमेशा हुकूमत पे क्रिटिसिज्म होती है कि जी आपने बढ़ा दी कीमत, ना पीटीआई ने बढ़ाई है, ना पीएमएलएन ने, ना ये जो अलायंस है इसने। ये आईएमएफ इंस्ट्रक्शंस जो देगा आप उस पर करेंगे, सिंपल एज दैट। अदरवाइज कई लोग कहते हैं नहीं जी ये कहो, ये हो गया वो हो गया, अदरवाइज यू गो इन टू बैंक्रप्सी, सिंपल एज दैट। इंटरनेशनल इंटरनेशनल है और ये हमारी ज़रूरत है। इसके बगैर फिर दूसरा रास्ता वही है कि डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे और हाहाकार मिल जाएगी। और श्रीलंका का कल, मैं कहता हूँ कि अल्लाह न करे ऐसा हो, श्रीलंका का वाक्य हमारे सामने है, तो ठीक है ऐसे दोस्त जो इस किस्म की बातें कह रहे हैं वो ये छापा मार रहे हैं, उसमें मौजूद खानदान उस अजीम हस्ती का है जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, आजाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए जहां हर एक को आजादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। लेकिन आज नून लीग ने अलामा इकबाल की बहू और पोते की खुद मुख्तारी पर हमला करके एक वाजे पैगाम दिया है कि तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस एकदम से 30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखेंगे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो अलायंस है इसने, ये आईएमएफ इंस्ट्रक्शंस जो देगा आप उस पर करेंगे, सिंपल एज दैट। अदरवाइज कई लोग कहते हैं नहीं जी ये कहो, ये हो गया वो हो गया, अदरवाइज यू गो इन टू बैंक्रप्सी, सिंपल एज दैट। सो आपने एक कंडीशंस होती हैं आप पे लगाई हुई हैं और वो हुआ है। आटे की कीमत ये भी बढ़ गई है, और उसके बाद आपको एक और चीज़ खबर दे देता हूँ कि आईएमएफ ने कहा है कि आपने बिजली की कीमत भी बढ़ानी है और एक्सपेक्टेड है कि 3.75 रुपये ये भी बढ़ जाएगी आइंदा आने दिनों में। अब ये प्लीज़ एक चीज़ का बिल्कुल ठंडे दिल से सोचें, हुकूमत कोई भी नहीं चाहती है कि कीमतें बढ़ें, लेकिन ये आईएमएफ की कंडीशंस हैं, इस पे आपको चलना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट लाइक इट। उसके साथ एक और जो चीज़ है कि क्वेश्चंस बड़े उठ रहे हैं फ्रॉम द कोर्ट्स। इमरान खान ने कहा था कि भाई ये ऑर्डिनेंस कर देंगे अपने, नई बनाएंगे, लॉस चेंज कर देंगे। आज जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, उन्होंने भी यही लाइन ली है कि ये कैसे कर सकते हैं कि खुद आप उसमें चले गए हैं और आप खुद ही उसको निकाल रहे हैं। खैर ये चल रही है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से अपनी वो रिपोर्ट्स मांगी हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है, इफ्तिखार साहब मुझे बताएं ये लेटेस्ट कितनी बढ़ी हैं, और आटे की और इसकी गंदम की ज़रा मुझे शक्कत। आटे को तो ये डील कर रहा है अपना जावेद आगे प्रोग्राम में, तो आपने मेरे में ये काम लगाया था कि पेट्रोल की अपडेट पर 179.86 इज़ द पेट्रोल रेट जो ताज़ा तरीन है, जो आज से हम दे रहे हैं। डीजल गया है 174.15 पर लीटर, पर लीटर डेफिनेटली पर लीटर, और कैरोसिन ऑयल 155.56 पर लीटर, एंड लाइट डीजल रुपीज़ 148.31। तो जैसा बहुत डिटेल बताया वाई ऐसा क्यों हुआ और ये हमारी क्या मजबूरी है, ये मजबूरी हम सबको भुगतनी पड़ेगी। जब आपकी इकोनॉमी का ये हाल हो कि हम पैसे ना जनरेट कर सकें और लोगों से कर्ज़ मांगें, तो फिर हमेशा आपको भी पता है अगर आप आम आदमी हैं तो अगर आप कभी कर्ज़ लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक कुछ गारंटीज़ मांगता है, कुछ चीज़ें मांगता है। ये उसी तरीके की ये है कि भाई आपको पैसे हम दे दें तो आप कैसे कमा के हमें वापस करेंगे। यही ना हो कि आप पैसे दिए जाएँ और आप अपनी मनमानी करते जाएँ। एक ही बात आटे को ये डील कर रहा है। सर मैं आपसे सिर्फ एक और बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने खाद के 50 किलो के जो थैला था उसकी कीमत में 389 रुपीज़ की कमी कर दी है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, और खाद के 50 किलो जो थैला उसकी कीमत कर दी है उसने 1768 रुपये, और इसका इतलाक़ ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, 7 जुलाई से होगा, फौरी नहीं होगा। ये बात सुनने वालों को जाननी चाहिए, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सब्सिडी दे रही थी गैस की रिलीफ, वो उन्होंने कहा हम किसानों को दे देंगे। दैट इज़ द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद मी, कैरी ऑन विद योर। बुखारी साहब अब आप इसका मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल प्राइसेस हाइक हो गई हैं, हमने इस पर कई दफ़ा बात की है, कल पेट्रोल स्टेशन, समबडी हैज़ गॉट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस कि पेट्रोल स्टेशन ने पेट्रोल बंद कर दिया, ताकि आप बता दीजिए इन्होंने कमाया भी कितना, ज़रा ये भी बताइए।
देखिए गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ होती हैं पेट्रोल पम्प्स की, जहाँ पर जो टैंक हैं उनके उसमें 20,000 लीटर भी है, 30,000 लीटर भी है, इससे ज़्यादा भी हैं जो बड़े पेट्रोल पम्प हैं। अब आप देखिए जब वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इंदिया आता है उनको या उनको इशारा मिलता है तो वो सेल बंद कर देते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक पेट्रोल पम्प के ऊपर 30,000 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ था और उसको 30 रुपये पर लीटर फालतू मिला तो 9 करोड़ रुपए एक टैंक से उसने कमाए एक रात में, क्योंकि लाइनें लगी हुई थी। मेरा ख्याल है पीजे ने भी देखी, आपने भी देखी, किलोमीटर किलोमीटर लॉन्ग लाइन्स थी पेट्रोल पम्प के ऊपर कल रात को। मतलब कहने का यह है कि हुकूमत के पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो पेट्रोल की कीमतें इस तरह बढ़ाएं कि पुराना स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया हो, ज़ीरो रिपोर्ट करें पेट्रोल पम्प, तो उसके बाद उनको सप्लाई दी जाए। बाकी ये करना पड़ेगा इसलिए, वरना गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है, जिसने रिक्शे में पेट्रोल डलवाना है, जिसने स्कूटर में पेट्रोल डलवाना है, उनकी तो ऐसी तैसी हो गई। 5 लीटर के ऊपर आप अंदाज़ा कर लीजिए उसको 150 रुपये फालतू पड़ा, जिसमें उसकी कभी टैंकी भरती थी। तो ये सारा कुछ अपनी जगह। दूसरी तरफ जो इशारा किया उन्होंने खाद की कीमत के हवाले से, 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पिछली हुकूमत के दौर में खाद गायब हो गई थी, अगर आपको याद हो, एक क्राइसिस था बिल्कुल के जी खाद आई नहीं। वो उसकी वजह ये थी कि यहाँ 1750 रुपये का थैला था और दुनिया की मार्केट में वो 10,000 रुपये पर बोरी बिक रही थी, और अफगानिस्तान के थ्रू सारी की सारी स्मगल होगी, किसने की आज तक पता नहीं चला। पिछलों के कीड़े तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो कीड़े पड़े हैं उसके ऊपर भी तलाश करनी चाहिए। और इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि वो इनके भी नोटिस लें। आप नोटिस ले रहे हैं कि जनाब इन्होंने अपनी मर्ज़ी का बंदा लगा लिया, लेकिन आपने उस वक्त नोटिस नहीं लिया जब बशीर मेमन जो FIA का हेड है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने घर बुला के ये कहा कि आप इनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाएं, जो मर्ज़ी मुकदमे बनाएं, इन्हें जेल में होना चाहिए। आपने 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उसके ऊपर भी सुओ मोटो नहीं लिया। तो मतलब कहने का ये कि एक ऐसा तासुर अदालतों के बारे में नहीं उभरना चाहिए, या किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कहे कि अदालतें बायस्ड हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, वेरी हम्बल फ्रॉम द जुडिशरी, कि आप इस तरफ भी तवज्जो दें। ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि कानून की एक आंख है दूसरी नहीं है। ये मेरी बड़ी हम्बल। बुखारी साहब, एक और चीज़ है, मुझे बशीर मेमन का आपने जिक्र किया है, शुड हैव रिजाइंड, और आज उठ के ये बात कर रहे हैं, इनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था? आज इतने ईमानदार बन रहे हैं जब गवर्नमेंट चले गए, ये हुआ? वेरी गुड, ये अब वालों ने कर दिया। अच्छा, जो आपने लगाए थे उन्होंने कर दिया रिजाइन? नहीं, तो फिर नो, तो फिर यही तो चीज है ना, फिर दैट इज वेयर आई एम सेइंग लेट द कोर्ट सी विद बोथ आईज। यही निजाम है, ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत निजाम है कि जो आज के हुक्मरान हैं, आज इस चीज को, पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है, इसको चाहेंगे कि फर्ज समझ के कबूल कर लिया जाए, क्योंकि मजबूरी है। आटे की तो कम हुई है ना, ठहर जाए, एक आटे की कम हो गई है। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि 30 रुपए पेट्रोल बढ़ने के साथ आपकी इकॉनमी पर क्या असर हुआ, और 6 हफ्ते डिले करने के साथ आपके कितने 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। जब आप IMF का जो इन्होंने पॉइंट रेज किया उसका भी जवाब देना, आपको पता था ये ट्रैप है, आलमी मंडी में तेल बढ़े हुए हैं, तो आप हुकूमत में आए, आपने उस ट्रैप से निकलने की बजाय उस ट्रैप में बैठे रहे, उस ट्रैप में वेट किया, क्योंकि इमरान खान का बयानिया चल रहा था, इमरान खान पॉपुलर हो रहा था। जैसे ही इमरान खान का धरना एक्सपोज हुआ तो इन्होंने मौका मिलते ही रात को अनाउंस कर दिया। मजे की बात क्या है कि ये 30 रुपए IMF को खुश करने के लिए जो कर दिए, उसे IMF खुश नहीं हो रहा, जो इस कौम को समझना चाहिए। ये किस ट्रैप में? एक सेकंड ना, यही तो मैं बाहर हूं ना, कि 30 रुपए से कुछ नहीं होना। आने IMF की डिमांड है 110 रुपए बढ़ाएं, IMF की डिमांड है काइबर रेट को 20% लेकर जाएं, IMF की डिमांड है गैस पे सब्सिडी भी खत्म करें और इसकी प्राइस भी बढ़ाएं, IMF की डिमांड है कि आप 7,000 अरब जो अगले 8 दिन में आपने बजट पेश करना है उसमें कितने टैक्सेस लगाएंगे वो पूरा करें, IMF की डिमांड है कि जो आप बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं वो भी पूरी करें, IMF की डिमांड है कि जो आप सैलरीड लोगों के ऊपर आपने सब्सिडीज दी है वो खत्म करें। एक डिमांड मेरी भी है, एक डिमांड मेरी भी है, वो ये है कि ये जो कुछ उन्होंने नहीं किया इसका क्रेडिट। ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया जो बात कर रही है, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में इसमें फिजा खान का एक पार्ट ऐड किया था, फिजा खान उस वीडियो में एक्चुअली में बात कर रही है इमरान खान
के सपोर्ट में, और आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े एंकर हैं जो इमरान खान का अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, हालांकि फिजा खान उतनी बड़ी एंकर है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में ये फेमस है क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ इसने इतना बोला है, तो जो नेगेटिव चीज़ रहती है उसको लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें देखा होगा आपने कि फिजा खान को व्यूज़ दे देते हैं, तो इसलिए मैंने भी वो क्लिप जोड़ दिया, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान में जो प्राइजेज हैं वो IMF के कहने पर एकदम से इंक्रीज कर दिए गए हैं, पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व है नहीं, पाकिस्तान डिपेंडेंट है भीख पर, और भीख अब इनको कोई मतलब देने का इच्छुक है नहीं, क्योंकि ये इनका धोखा है, धोखा इनका स्वभाव है पाकिस्तान का। अमेरिका के साथ अगर ये जुड़े रहते तो उनको वो प्यार से भीख देता रहता, डू मोर कहता, चिल्लाता, गाली देता, ऑब्वियसली जो भिखारी है उसको गाली पड़ती, लेकिन उन्होंने सोचा कि चाइना के पास जाए। चाइना ने भीख देना बंद कर दिया, CPEC प्रोजेक्ट भी अब लगभग बंद हो गया है, चाइनीज जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर। साउदी अरेबिया को भी इन्होंने अकड़ दिखाई टर्की के साथ मिलकर, टर्की जो इनको पैसा नहीं देता था अब साउदी अरेबिया से भी गिड़गिड़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। और ऑब्वियसली इमरान खान की हुकूमत गई, उसको इमरान खान को बहुत फ़ायदा हो गया। अब ये पूरा जो मतलब इंक्रीजेस हो रहे हैं, प्राइजेस, महंगाई बढ़ रही है, पूरा ये जो नई गवर्नमेंट है इसके ऊपर वो थोप सकता है। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट।